आई थिंक रोहित एक बहुत ही उम्दा परफॉर्मर है. वो बहुत ही मतलब मोर देन अ परफॉर्मर, आई थिंक ही इज़ एक्सट्रीमली हार्ड वर्किंग. वो बहुत फोकस करते हैं अपने सीन्स पर और ही टेक्स एवरी थिंग सीरियसली, हर एक लाइन को सीरियसली ले लेते हैं. तो ऐसे एक्टर के साथ काम करना बहुत ईजी हो जाता है. नहीं सीरियसली, या एंड मोर देन दैट एज अ पर्सन रोहित इज़ एन अमेजिंग पर्सन. ही गॉट अ वेरी क्लीन हार्ट. ही वो मतलब जेन्यूनली चाहते हैं कि हर कोई अपने लाइफ में बेहतर करे. ही वॉन्ट्स मी ऑल्सो टू डू बेटर इन लाइफ, बी इट वर्क वाइज और बी इट मी एज अ पर्सन. ही ट्राई टू करेक्ट मी कि तुम ऐसे मत रिएक्ट करो, ऐसे मत बोलो, यहाँ ऐसे मत करो, बिकॉज आई हैव दिस हैबिट. और इवन फिजिकली ही ट्राइज टू ऑलवेज करेक्ट मी एंड मेक मी ईट द राइट थिंग्स, डू द राइट थिंग्स. तो ही एक्चुअली वॉन्ट्स टू सी मी डू वेल. तो वो इतने अच्छे हैं दिल से. तो या कॉपी पेस्ट था, लाइक आई डिडंट से नहीं कॉपी पेस्ट, एज इन मैं भी तेरे लिए यही कहना चाहूंगा. ओह दैट जस्ट नॉट द फिजिकल पार्ट, जस्ट एवरीथिंग कॉपी पेस्ट. गाने के बारे में जानना चाहूंगी, बहुत डिफरेंट होने वाली है. पहले शो जैसी बिल्कुल नहीं रहने वाली है. पहले शो में जितनी यंग थी उससे ज्यादा यंग हो गई है. नहीं पहले शो में तो मेन मतलब आप लोगों को जो दिखा था वो एक बच्चे और एक बड़ी लड़की की शादी थी, वो तो ऑब्वियसली नहीं है. और हमारी शादी भी नहीं हो चुकी है, तो बहुत सारी चीज़ें इस वजह से बहुत डिफरेंट होंगी पहले वाले शो से. तो हाँ बहुत हटके होने वाला है. मेहनत में फिर से वही चीज़ बताऊँगा आपको कि 3 दिन में आदमी कुछ नहीं सीख सकता, बिकॉज As I've been telling and जितना मैंने सुना है या पढ़ा है, acting is an art. 3 दिन का काम नहीं है किसी भी character को play करना. यू cannot just मतलब script पढ़ के, यू cannot just go ahead and play the character. Time चाहिए होता है. तो लेकिन मैंने जैसे आपको वापस, मैं फिर से वही बात कहूँगा, director और जो भी cast है इतनी supportive है. अगर मुझे कहीं पर भी doubt होता है, कुछ भी होता है, मैं इसके पास भी, मैंने कितनी मैं इससे भी पूछता हूँ, बिकॉज शी इज़ लाइक ऑब्वियसली एक्सपीरियंस, मोर एक्सपीरियंस, शी गॉट मोर एक्सपीरियंस. मैं इससे भी कई बार पूछा है, इसको ये बताती है, मैं अगर कुछ गलत करता हूँ ये मुझे करेक्ट करती है कि ऐसे मत ले, वो करके देख. देन डायरेक्टर इज़ द ऑब्वियसली द कैप्टन ऑफ द शिप. वो नहीं है तो अगर मैं पता नहीं क्या कर रहा होता. उन्होंने मुझे कितनी जगह करेक्ट किया है, क्योंकि साथिया में जो मैं एक्टिंग कर रहा था वो मुझे भी नहीं पता मैं क्या कर रहा था. लेकिन मैं आई कैन सी माई सेल्फ परफॉर्मिंग नाउ एंड बैक देन. ड्रास्टिक चेंज है जस्ट बिकॉज ऑफ द मेम्बर्स आउट है और प्रॉब्ली द ऑब्वियसली द डायरेक्टर एंड हर ऑब्वियसली.